हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम की कुल्फ़ी। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे एक बार बनाया तो यकीन मानिए बार बार बनाएंगे, और बाज़ार की कुल्फ़ी को आप ज़रूर अवॉइड करने वाले हैं, घर पे ही से ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए बादाम मैंने पहले से भिगो के रखे थे, फिर मैंने अच्छे से छील के कर लिया है तैयार। तो मैंने 20 से 25 बादाम लिए हैं, मिक्सर जार में डाला है इनको, और फिर थोड़ा सा दूध डाला है मैंने इसमें, और अच्छे से मैंने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल हमें ज़्यादा इसे नहीं पीसना है, बस इस तरह का दरदरा सा पेस्ट बना के हमें तैयार कर लेना है, ताकि आइसक्रीम के अंदर बादाम का थोड़ा हल्का हल्का टेस्ट आए, दाने आए। तो आप इस तरह का ही पेस्ट बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और दरदरा सा ये पेस्ट है। इस तरह से पेस्ट को बना के रख दिया है मैंने साइड में। अब मैंने गैस पे एक पैन रखी है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और फिर मैंने उसके अंदर डाला है 1.5 लीटर दूध। मैंने फुल फेट वाला दूध लिया है, आपके घर में जो रेगुलर यूज़ होता है आप वो ले सकते हैं। और दूध को बॉईल करने से पहले आप उसमें हल्का सा पानी डालिएगा, ताकि पैन या कढ़ाई के अंदर ये नीचे चिपके नहीं, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूध डाल के मैंने अच्छे से एक बार इसे बॉईल आने दिया है, हाई फ्लेम पर लगातार इस तरह से मैं चला रही हूँ। एक बार अच्छे से इसे बॉईल कर लेना है, तो इस प्रकार से लगातार चलाते हुए मैंने एक बार अच्छे से कर लिया बॉईल। तो आप देख सकते हैं ये बॉईल हो चुका है। अब गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो कर देनी है, और लो फ्लेम पे ही हमें अच्छे से इसे पकाना है, लगातार चलाते रहना है। एक मिनट के लिए भी मैंने इसे नहीं छोड़ा है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब अच्छे से जब तक दूध गाढ़ा होता है, तब तक हमें कस्टर्ड तैयार कर लेना है। तो एक बाउल में मैंने हल्का सा गर्म दूध लिया है, और उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है, और उसे घोल के कर लिया है तैयार। इधर ये भी अच्छे से गाढ़ा होने लगा है, आप देख सकते हैं। पैन की किनारियां इस तरह से छुड़ाते रहना है, ताकि ये थोड़ा रबड़ी जैसा हो जाए। और जो बादाम का पेस्ट हमने बनाया है वो इसके अंदर अब डाल देना है। कच्चे दूध में नहीं डालिएगा, हल्का सा जब ये पक जाए तभी हमें ये बादाम का पेस्ट इसमें डालना है। तो सारा बादाम का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, और लगातार इसे मैं कम से कम 10 मिनट तक पकाऊंगी। इसी स्टेज पे बादाम का हमें पेस्ट डालने के बाद 10 मिनट पकाना है, ताकि हल्का गाढ़ा और हो जाए दूध। फिर मैंने इसमें जो कस्टर्ड घोल के रखा है वो इस तरह से डाला है। तो फ्रेंड्स, कस्टर्ड आप अपनी पसंद से कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मैंने एक बार कस्टर्ड घोला हुआ इसमें डाला है, फिर चलाया है, फिर से डाला है, फिर चलाया है। तो एक बार ही में नहीं डालना है, बस 2 से 3 बार करके डालिएगा, ताकि ये पैन में एक जगह इकट्ठा ना हो। और कस्टर्ड डालने के बाद लगातार इसे चलाते रहना है, और ताकि हमारी जो आइसक्रीम है बहुत टेस्टी बने। फिर मैंने इसके अंदर डाली है चीनी। तो आप देख सकते हैं हल्का सा दूध गाढ़ा होने लगा है, और इसके अंदर कलर भी चेंज हो चुका है। केसर के रेशे और इलायची पाउडर डाला है, और अच्छे से किया है एक बार मिक्स। टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने वनीला एसेंस की कुछ बूंदें डाली है 2 से 3, और फिर से मैंने अच्छे से इसे कर दिया है मिक्स। अब इसे मैं एक जार में या जग में भर के रख दूंगी, ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। बिल्कुल गर्म को मैं आइसक्रीम मोल्ड में नहीं डालूंगी, तो हल्का इसे ठंडा करने के लिए मैंने इस तरह से एक जग में डाल दिया है, ताकि पैन भी गर्म है तो यह जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसे मैंने ठंडा करने के बाद इस तरह से आइसक्रीम मोल्ड लिया है, और उसके अंदर भर दिया है। अब आपको इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैं बिल्कुल सिंपल सी कुल्फ़ी बना रही हूँ बादाम की। तो सिर्फ मैंने मोल्ड के अंदर इस तरह से भर के ढक्कन लगा के इसे जमने के लिए छोड़ दिया है। आपके पास अगर ऐसे मोल्ड नहीं हो तो आप डिस्पोजेबल ग्लासों के अंदर या स्टील के ग्लास के अंदर डाल के जमा सकते हैं। तो इसे मैंने भर दिया है, फिर मैंने इसके ढक्कन लगा दिए हैं, और इसे जमने के लिए रख दिया था ओवरनाइट। तो अच्छे से ये सेट हो चुकी है, ओवरनाइट मैंने इसे निकाल लिया है। मुझे तो ये बादाम की कुल्फ़ी बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।